नमस्कार, मैं सचिन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कमला हैरिस पर बड़ा सियासी वार किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तारीख बेहद नज़दीक है, ऐसे में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों अपने आखिरी दांव चल रहे हैं। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमेरिका में सियासत तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के पहले की ये बयानबाजियां गवाह हैं कि चुनावों में दोनों उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान की चारों ओर चर्चा है। आइए समझते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान की बात कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बयानबाजियों का दौर पहले से ही चला आ रहा है। एक रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया, अगर कमला हैरिस किसी तरह से जीत जाती हैं तो उन्हें शी जिनपिंग से भी निपटना होगा, वे उनसे कैसे निपटेंगी, जिस पर ट्रंप का जवाब सुनने लायक था। कमला हैरिस को चीन बच्चे की तरह डील करेगा, ट्रंप ने सवाल का जवाब दिया, एक बच्चे की तरह, वह बहुत जल्दी सारी कैंडी छीन लेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के नेता कमला हैरिस को एक बच्चे की तरह धमका कर रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अगर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव जीत गई तो चीन उनसे एक बच्चे की तरह डील करेगा। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने भी इस दौरान ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला। सीएनएन टाउन हॉल में एक भाषण के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप को फांसीवादी बता दिया। गौरतलब है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका के चीन के साथ रिश्ते काफ़ी खराब रहे थे। ट्रंप की तरफ से चीन पर कई तरह के आयात शुल्क और अन्य कर लगा दिए गए थे। इसके चलते कई मुद्दों पर दोनों देश आमने सामने थे। अमेरिकी चुनावों से पहले कई मुद्दे बेहद हावी रहे हैं। आइए जानते हैं कि अब तक अमेरिकी चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे। अमेरिकी चुनावों के मुद्दे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में इस बार सुरक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात, यूक्रेन सहायता, इजराइल गाजा युद्ध, आयकर, स्वास्थ्य, अपराध, जलवायु और पड़ोसी देश चीन जैसे आदि प्रमुख मुद्दे रहे हैं। पूरा चुनाव इन मुद्दों पर ही हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कमला हैरिस विजयी होती हैं तो यह भारत के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। भारत में जन्मी कमला हैरिस से भारत को काफ़ी फायदा होगा। भारत और अमेरिका के संबंध में और मजबूती होगी। व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। भारत को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुए प्री पोल के दौरान अब तक लगभग 3 करोड़ लोग वोटिंग कर चुके हैं। अमेरिका में एडवांस वोटिंग में भी आम चुनावों की तरफ से डाक या फिर व्यक्तिगत तौर पर पोलिंग सेंटर पर जाकर होती है। कई राज्यों में यह एडवांस वोटिंग हो चुकी है, जबकि कई जगह हो रही है। इस बार की एडवांस वोटिंग के शुरुआती सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि इससे पहले तक डेमोक्रेट्स आगे रहती थी। इसी कड़ी में चुनाव से पहले आए सर्वे में ट्रंप को हैरिस के मुकाबले मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। CNBC ऑल अमेरिका इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ट्रंप ने हैरिस पर 2% की बढ़त बना रखी है। समाचार चैनल ने कहा कि प्रमुख 7 राज्यों में ट्रंप 1% आगे हैं। कमला हैरिस अगर जीतती है तो वह पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी, जबकि ट्रंप जीतते हैं तो वह दूसरी बार इस पद पर काबिज होंगे। खैर, किसके हाथ कौन सी सीट लगेगी ये तो अमेरिकी चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।